इधर मध्य प्रदेश के रीवा स्थित विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक नया प्रतिमान गढ़ा है। डेंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने अपनी टीम के साथ मिलकर जबड़े के नीचे के ट्यूमर की सर्जरी कर उसे हटाने में सफलता हासिल की है, जिसे आयुष्मान भारत के माध्यम से निःशुल्क किया गया है। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि व्यवहारी में शिविर लगाया गया था। शिविर में शहडोल से आई गरीब परिवार की लड़की जिसके नीचे के जबड़े में ट्यूमर पाया गया, जिसके बाद इन्हें ऑपरेशन कर निकाला गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा की मदद ली गई, जिन्होंने पैर की हड्डी निकालकर रिकंस्ट्रक्शन की मदद से पैर की हड्डी की सहायता से नया जबड़ा बनाने में सफलता हासिल की। फिलहाल मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। आपके बच्ची का जबड़े का ऑपरेशन हुआ था, पता चला कि आपके बच्ची के जबड़े में एक ट्यूमर हो गया था जी। कैसा ऑपरेशन रहा वो जी? अभी जो हुआ जी, अभी जो हुआ है बढ़िया ऑपरेशन हुआ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण यादव। अच्छा, कैसे आपके बच्ची को पता चला कि इतना बड़ा ट्यूमर हो गया आपके? जी सर, मैं व्यवहारी में आया। व्यवहारी में एक डॉक्टर साहब हैं जी, उनका नाम है दांत का विशेषज्ञ है वो भी, जिससे मैं उनको दिखाया, वो हमको बताए तुम रीवा जाओ जी। और रीवा से बताए और फिर जहाँ से सर गए वहाँ, तो फिर वहाँ फिर हम बच्ची को लेके आए सर, वहाँ देखे कि हमारे इधर आ जाओ। सर, आपने एक विंध्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में एक जबड़े का ट्यूमर निकाला है, कैसी स्थिति है पेशेंट की सर? पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, अब उसके सारे वाइटल सपोर्ट्स जो भी हमने एक्स्ट्रा लगाए थे सब निकाल दिए हैं, और अब वो जो है चम्मच से धीरे धीरे करके खाना भी खा पा रहा है। अच्छा, क्या खतरा था सर इसमें, इस ऑपरेशन में पेशेंट को क्या खतरा था? पेशेंट एक्चुअली क्या है, पेशेंट डेढ़ से दो साल पहले पेशेंट के नीचे जबड़े में एक छोटी सी गांठ बनी, जिसके लिए वो लगातार बनारस और इलाहाबाद में अपना ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन उसको पूरी रिकवरी नहीं हुई और धीरे धीरे धीरे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, हमें बताएं कि चिकित्सकों की पूरी टीम ने मरीज से के जबड़े के नीचे हुए ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है, यह कैसे कारगर हो पाया? हमारी पूरी टीम, हमारी बच्ची जो थी हमारे पास एक कैंप के माध्यम से आई, जिसमें हमने ये देखा कि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट थे जो बनारस और इलाहाबाद में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, जिसमें ये देखा गया कि नीचे के जबड़े में पूरा ट्यूमर था जो दाएं से लेकर के पूरे बाएं जबड़े को आधा कवर कर चुका था। हमने इसकी पूरी प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हमने उसके इलाज के खर्च के बारे में बताया, जिसमें पता चला कि उसके पास इस इलाज को कराने का खर्च नहीं है। हमने फिर उसका आयुष्मान कार्ड बनवाया, क्योंकि वो काफी गरीब परिवार से थी, और इसके बाद हमने पूरी सर्जिकल प्लानिंग करी, जिसमें हमने ये सोचा कि जवान लड़की 18 साल की, इसका अगर जबड़ा हटा दिया जाएगा तो उसको आगे के जीवन में, भविष्य में और अपने सामाजिक जीवन जीने में काफी तकलीफ जाएगी, इसलिए हमने इसके जबड़े को हटाने के साथ बदलने का भी प्लान बनाया। और हमने इसमें पहले मैंने जबड़े हटाया उसका पूरा नीचे का, इसके बाद फिर हमने उसके पैर से हड्डी निकाली, जिसमें हमारी सर्जिकल टीम थी, रिकंस्ट्रक्टिव टीम, और इसके बाद हमने उसका पूरा नया जबड़ा बनाया, और अब भविष्य में 6 महीने बाद हमने हमारी उसमें दांत लगाने की भी प्रक्रिया होगी जी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि उसका नीचे का जबड़ा काफी खराब था और हमें पूरा का पूरा जबड़ा हटाना था, जिसके लिए हमें पूरा नीचे का पूरा गले से लेकर के पूरा हमें खोलना था, इसमें सांस लेने की सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली थी, क्योंकि मरीज को लंबे समय तक हमें जो है पट्टी बांध के टांके लगा करके और गले से नाक से सब जगह पाइपलाइन जो है खाने के लिए पत्ती डालनी थी, इसलिए हमें सबसे पहले सांस के समस्याओं को देखते हुए हमने उसका ट्रैकेस्टोमी कराया, जिसमें हमारे डॉक्टर सोनपाल जनरल सर ने उसमें ट्रैकेस्टोमी करी, और उसके बाद जो है फिर सारी प्रक्रिया हमारी जो है हमारे प्लानिंग के हिसाब से चलती चली गई, जिससे हमें कोई विशेष परेशानी नहीं गई। ये हमारा दूसरा ऑपरेशन था, तो मैं पहले भी हमने एक ऐसा ऑपरेशन किया था, तब आधा जबड़ा हमने हटाया था, इस बार हमारा ये पहला केस है और शायद ये विभिन्न क्षेत्र में हमारे पहला केस है, इसमें पूरा जबड़ा ही बदल दिया गया है जी। मामले पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक।